वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से पंजाब के अहम मंसूबों पर रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं। पंजाब कंपनी स्कैंडल, ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा और महंगी गाड़ियों की रिपोर्ट तलब, रिपोर्ट काबीना के इजलास में पेश करने का हुक्म दिया गया है। मजीद बात कर लेते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा मजीद किन किन कंपनीज की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। जी बिल्कुल, उन्होंने ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे से मुतल्लिक जो है मुकम्मल अपडेट जो है वो रिपोर्ट मांगी है। उसके साथ साथ उन्होंने पंजाब कंपनी स्कैंडल से मुतल्लिक 56 कंपनीज हैं, तमाम कंपनीज के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बताया जाए कंपनीज में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तैनातियाँ कैसे अमल में लाई गई थी और इसमें कौन से मनसूबे कितने के पैसे दिए गए और किस कंपनी को नवाजा गया है। इन तमाम तक जो है वो रिपोर्ट महकमा लोकल गवर्नमेंट से और दीगर मुतलका डिपार्टमेंट से जो है वो मांगी गई है। इसी तरह अगर जो बाकी मनसूबों की बात की जाए तो उन्होंने खासतौर पर जो गाड़ियाँ जो कंपनीज में थी और अथॉरिटीज ने प्रोजेक्ट में जो गाड़ियाँ ली गई थी, महंगी गाड़ियाँ दी गई थी, उसके वाले से उन्होंने कहा कि मुझे रिपोर्ट दी जाए। और उसके वाले से ये रिपोर्ट जो है वो काबीना के इजलास में उन्होंने अहकाम दी हैं कि वहाँ पर पेश की जाए और तफसीली ब्रीफिंग दी जाए। और खासतौर पर ऑरेंज लाइन ट्रेन मनसूबे में कौन से जो है वो ठेकेदार थे, किस ठेकेदार को दिया गया, ब्लैकलिस्ट कंपनी को जो की गई थी उसको ठेका किसके कहने पर दिया गया, वो उसके इजलास की मीटिंग मिनट तक जो है वो तमाम तर जो है वो मुकम्मल।